साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि विदित है कि यह जो प्रयास पुस्तिका है सत्र 2023-24 के लिए बनाई गई है, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वर्कशीट इस प्रयास पुस्तिका हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत दी गई है। नवीन यह प्रयास पुस्तिका है जो सत्र 2023-24 के लिए प्राप्त हुई है। आपको जब यह पुस्तिका प्राप्त हो जाएगी तो इसमें आप वर्कशीटों को किस तरह हल करेंगे, इनके प्रश्नोत्तरों को इस वीडियो में आप देखेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर लें। प्रोजेक्ट का नंबर 3 दिया गया है। हम यहाँ पर एक चित्र देख रहे हैं, सौर मंडल से संबंधित है। चित्र उतना स्पष्ट नहीं है पुस्तक में, इसलिए इसे पढ़ने में आपको थोड़ी कठिनाई हो सकती है। फिर भी हमने आपकी सुविधा के लिए इसके जो वर्कशीट के प्रश्नोत्तर हैं उनको हल कर दिया है। जैसे हम देख रहे हैं, शुक्र बुध, शुक्र पृथ्वी, मंगल इस प्रकार यहाँ पे दिया गया है, बृहस्पति, यूरेनस, शनि, नेपच्यून, 8 ग्रहों के बारे में इस चित्र में दिया गया है। इसका जो विवरण है यहाँ पे नीचे दिया गया है, बुध के बारे में, बुध से लेके नेपच्यून ग्रह के बारे में यहाँ पे दिया गया है। इसी के आधार पे हमको समस्त प्रश्नों के उत्तरों को कंप्लीट करना है। आइए पहला प्रश्न हम देखते हैं। ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। चित्र देखकर नीचे दिए गए बिंदुओं से संबंधित जानकारी खोजकर लिखिए। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 8। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति हो जाएगा। सूर्य से तीसरे क्रम के ग्रह का नाम अगर हम देखें तो पृथ्वी हो जाएगा। बुध कितने दिनों में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है? तो ये हो जाएगा 88 दिनों में। आगे हम देख रहे हैं साथियों, पांचवें नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूर्ण करने में कितना समय लगता है? तो 365 दिन में यह एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। फिर है, किस ग्रह के चारों ओर वलयाकार आकृति होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शनि ग्रह। सूर्य के सबसे दूर ग्रह का क्या नाम है? तो वरुण हो जाएगा। फिर है, मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक बार कितने समय में घूम जाता है? तो अगर इसको हम देखें तो एक दिन या 24 घंटे इसका हम समय बता सकते हैं। इसके बाद है, तारे और ग्रह में अंतर, इसको भी हमने स्पष्ट कर दिया है कि तारों का अपना प्रकाश होता है जबकि ग्रह सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते या प्रतीत होते हैं। तारे टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह टिमटिमाते नहीं हैं। तारे की संख्या यहाँ पे हम देख रहे हैं 10^22 है। ग्रह की संख्या 9 है। ये आकार में बड़े होते हैं परंतु बहुत दूर होने के कारण छोटे दिखाई देते हैं। ग्रह तारों से काफ़ी छोटे होते हैं। इसी प्रकार स्थानीय उपलब्धि सामग्री के आधार पर आपको यहाँ पे सौरमंडल का मॉडल भी तैयार करना होगा। तो इस पेज में आप यहाँ पे सौरमंडल के मॉडल का जो चित्र है या मॉडल है उसको आप यहाँ पे तैयार कर लीजिए। अब हम देख रहे हैं अगले पेज में, प्रोजेक्ट का नंबर 4 दिया गया है। एक चित्र हमें मछली का दिखाई दे रहा है और एक गणेश जी का जो पत्तियों की सहायता से बनाया गया है। अब हम देख रहे हैं, अपने आसपास किसकी आकृति बनाई है, आपने किस किस की आकृति बनाई है उसके बारे में लिखिए। तो जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं मछली, मछली पानी में रहती है, मछली एक जलीय जीव है। गणेश जी, गणेश भगवान के बारे में भी आप चाहे तो लिख सकते हैं कि यह गणेश भगवान की पूजा हम किसी भी जो हमारा ऐसा कार्य जिसको हम प्रथम बार करते हैं उस समय भगवान गणेश की पूजा होती है। किसी भी कार्य को करने से पहले हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं तो ऐसा यहाँ पे हम लिख सकते हैं। फिर है, इन आकृतियों में आपने कौन कौन से पौधों की पत्तियों का उपयोग किया है उनके नाम लिखिए। तो पीपल और मनी प्लांट लिख सकते हैं। फिर है, पेड़ पर्यावरण को किस प्रकार शुद्ध रखते हैं खोजो और लिखो। तो पेड़ पर्यावरण के लिए फेफड़ों का काम करते हैं, ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड सोख कर हवा को शुद्ध बनाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, आपके आसपास पाए जाने वाले पेड़ पौधों की जानकारी को आपको इस सारणी में लिखना है। जैसे औषधि पौधों के नाम हम लिख सकते हैं जिनका उपयोग हम औषधि के लिए करते हैं। ऐसे पौधे तुलसी, नीम, एलोवेरा, पुदीना और मेथी हो जाएगा। फिर है, छायादार पौधे बरगद, पीपल, अशोक, अर्जुन और कदम। फिर है, जंगली पौधे
कोकोस न्यूसीफेरा जीनस नंदी विक्टोरिया हेलिकोनिया और यूफोरबिया। इसी प्रकार अगर हम देखें सजावट वाले पौधों के नाम तो मनी प्लांट, रबर प्लांट, पीस लिली, फर्न्स और कोटन, इस तरह हम यहाँ पे इनके नामों को लिख देंगे। फिर है उसने इनमें वह वो जैसे सर्वनाम शब्द कहलाते हैं, आपने इस गतिविधि को लिखते हुए जिन सर्वनामों को लिखा है उसे छांटकर यहाँ लिखिए। तो हम लिख सकते हैं सर्वनाम का हमने जो इस गतिविधि को किया उसमें हमने जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो आदि सर्वनाम आए हैं। अगर आपने जो भी गतिविधि की है उसमें जो सर्वनाम आ रहे हैं तो उसको यहाँ पे आप लिख दीजिए। इस तरह साथियों आठवें नंबर के पेज तक हमारा जो प्रयास अभ्यास पुस्तिका में वर्कशीट दी गई है चौथे नंबर के प्रोजेक्ट कार तक की, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आशा है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में आपके सुझाव अवश्य बताइए। धन्यवाद।